हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ देव यादव फ्रॉम देव यादव ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आपको मालूम है आप लोगों का एग्जामिनेशन जो 9 जून को होने वाला है। तो बच्चों, चलिए आपकी तैयारी कितनी है, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ, चलो बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बच्चों, आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आलसी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। तो न्यून जो शब्द है वो सर्वनाम नहीं है, कुछ, कौन, तुम, ये सभी सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम, तो चलिए संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको बताना चाहूँगा बेटा, इनमें से ऑप्शन नंबर बी वो शब्द जो है वो ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है बच्चों आपका है व्यक्ति, व्यक्ति जो है जातिवाचक संज्ञा है। बचपन, मिठास, हरियाली, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? फिर अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो बच्चा, बच्चा जो है जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तित्व, मित्रता, व्यक्तित्व और मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और हिमालय जो है प्रॉपर नाउन, इट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बच्चा जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बोलने वाले के लिए यूज़ करते हैं हम उत्तम पुरुष, है ना, फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में रहेगा उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए, जैसे मैं, हमारा, है ना, हम, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी संज्ञा विशेष, खास का बोध कराती है? विशेष, विशेष नेम, जात, विशेष नेम्स या शहर का नाम क्या बताता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा इनमें से कोई कौन सा शब्द नहीं है? तो आपको बताना चाहूँगा, बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, ये सभी है। विद्वान जो है विशेषण है, वह विद्वान व्यक्ति है, तो विशेषण शब्द है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना विशेषण से नहीं हुई है? विशेषण से नहीं हुई है, तो सहायता, सहायक विशेषण से हुई है, ऊंचाई, ऊंचा से हुई है, मूर्खता, मूर्ख से हुई है, चमक जो शब्द है वो चमकना, क्रिया से हुई है, तो आंसर नंबर डी, ये विशेषण से नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? फिर पूछा गया है भाववाचक संज्ञा नहीं है तो बैठक, कमाई, जलन, आंसर रहेगा स्वस्थ, वह स्वस्थ व्यक्ति है, विशेषण है ये, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्कालिक क्रिया है? कौन सा शब्द में तत्कालिक क्रिया है? खाते ही, ऑप्शन नंबर सी, तत्कालिक क्रिया है इसमें बच्चों, आंसर नंबर 12 का खाते ही। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, करेक्ट है। मूल धातु का प्रयोग केवल तू के साथ आज्ञावर्तक क्रिया के रूप में किया जाता है, करेक्ट है। क्रिया को देखकर कर्ता या कर्म का अनुमान लगाया जा सकता है, करेक्ट है। द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म वस्तुवाचक, द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होता है, ना ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप लोग, जैसे वस्तु और प्राणी वाला मैं बोल रहा हूँ, हर बार जरूरी नहीं है, जैसे राम ने मुझे पुस्तक दिया, है ना, राम ने मुझे पुस्तक दिया, तो मुझे भी कर्म है और पुस्तक भी कर्म है, हालांकि ये वस्तुवाचक है, इसमें एक प्राणीवाचक, लेकिन कई बार हम जो है वस्तुवाचक दोनों में यूज़ कर सकते हैं, द्विकर्मक क्रिया में यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर नंबर डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म की संभावना नहीं रहती, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये गलत बात है।
सकर्मक क्रिया में कर्मक होना बहुत जरूरी है, क्या में आंसर मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या में आंसर मिलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, कौन सा शब्द में, तो गुणवाचक विशेषण आ जाएगा पुराना, क्या आएगा पुराना, इसमें गुणवाचक विशेषण है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्म के आधार पर क्रिया का भेद नहीं है, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद संयुक्त क्रिया नहीं है, कर्म के आधार पर देखो तो विकर्मक जिसमें दो कर्म हो, सकर्मक, सकर्मक तो आपको पता है, अकर्मक, तो ये कर्म के आधार पर संयुक्त क्रिया नहीं है। 17 क्वेश्चन, मोहन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, इस वाक्य में क्रमशः विशेषण और विशेष्य कौन सा है, तो विशेषण तो हो जाएगा काली और विशेष हो जाएगा कमीज, तो आंसर नंबर ए, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मात्रा या तौल बताने वाले विशेषणों को क्या कहा जाता है, मात्रा या तौल बताता है परिमाणवाचक विशेषण बताता है। ओके, अगला क्वेश्चन, धातु में क्या जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, तो धातु में आपको जोड़ना पड़ेगा ना, है ना, ना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बैठना बैठ धातु से बैठना, पढ़ धातु से पढ़ना, ना जोड़ना है, ठीक है। अगला है 20, निम्न में से अगला नंबर, ओके, आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोषबोधक विशेषण नहीं है, तो दोषबोधक विशेषण नहीं है कृपालु में नहीं है, बाकी कंजूस, पापी, दुष्ट, ये ऐसे बोलने से एक तरह से दोष बता रहा है ये, ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया नहीं है, ठहरना, मैं ठहरता हूँ, अकर्मक क्रिया, क्या मैं आंसर नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया है, मरना, वह मर गया, ठीक है, अकर्मक क्रिया, जागना, वह जल्दी जग जाता है, अकर्मक क्रिया, तोड़ना, वह क्या तोड़ता है, इसमें आंसर तोड़ना मिलेगा, क्या में आंसर तो रहेगा डी जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला है, वाक्य का अंश जो क्या कर रहा है प्रश्न का उत्तर देता है क्या कहलाता है, प्रश्न का उत्तर देता है वो तो क्रिया कहलाता है, क्या कर रहा है ये बताता है वो क्रिया रहेगा आंसर बच्चों। आंसर नंबर 23, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया क्या कहलाती है, प्रत्यय योग से बनी क्रिया कहलाएगी कृदन, कृदन क्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी कृदन क्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की रचना निम्न में से किन शब्दों से होती है, तो क्रिया की रचना विशेषण से भी होती है, धातु से होती है, संज्ञा से भी होती है, उपरोक्त सभी से होती है, डी को देना है आपको आंसर। ओके, नेक्स्ट, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में कौन सा कारक है, कारक 8 कारक होते हैं सबको पता है, तो चलिए बताते हैं, राजा ने गरीबों को, गरीबों के लिए, ऐसा इनडायरेक्टली राजा तो नहीं देंगे, तो राजा दिलवाएंगे, तो के लिए ही समझ लीजिए, तो के लिए आता है, किसमें आता है, संप्रदान कारक में आएगा के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कर्म कारक और संप्रदान कारक में प्रमुख अंतर क्या होता है, कर्म कारक में कोई व्यक्ति का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में कोई व्यक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है, उपरोक्त सभी, कर्म कारक में व्यक्ति को का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में व्यक्ति को में कर्ता का देने वाला का होता है, कर्म कारक में को क्रिया का साधन है, जबकि संप्रदान में को अलग का भाव होता है, तो आंसर रहेगा बेटा, रहेगा आंसर नंबर ए, रहेगा आंसर नंबर ए, कर्म कारक में कोई व्यक्ति का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में कोई व्यक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है, आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है, करण, करण कारक, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, करण, करण से होता है ना, पता है आपको, वह स्वभाव से कंजूस है, भिखारी, क्रम से बैठे हैं, तो सब में से आया है, मतलब क्या रहेगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक, क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। ओके, नेक्स्ट, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से किया कर क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे बोलते हैं, क्रिया करता है साधन या माध्यम से वो क्या कहलाएगा, संप्रदान करण कारक, अपादान कर्म कारक। चलो एक बार सोचिए इसके क्वेश्चन का आंसर, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से
क्रिया करता है, साधन या माध्यम से क्रिया करता है, जैसे कर्ता ने करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, राम ने धनुष से मारा, ठीक है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है वो कहलाता है करण कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया के लिए आपको पूछा है, तो के लिए में है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। ओके, नेक्स्ट, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, आंसर नंबर ए, कर्ता ने, आंसर नंबर ए रहेगा बेटा। अगला क्वेश्चन है 32, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता ने, कर्म को, तो क्या रहेगा? कर्ता कारक रहेगा, आंसर नंबर रहेगा बेटा इसका रहेगा कर्ता ने, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ होता है? जल्दबाजी बतलाने के लिए, बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, निश्चित समय बताने के लिए, आंसर नंबर डी रहेगा बेटा, डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चलिए कौन सा नंबर में आया था, 33, थोड़ा से पीछे हो गए, चले देखते हैं, वन मिनट, ये देखिए 31 हो गया, कर्ता कारक विभक्ति ने होता है, ये भी हो गया था, लड़के ने पुस्तक पढ़ी कर्ता कारक हो गया, 33 प्रयोग होता है उपरोक्त सभी, 34 में आए थे बेटा, 34 कर्म कारक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं, विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्मकारक के साथ ही होता है, कर्मकारक में अज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता है, कर्मकारक विभक्ति चिन्ह को होता है, ये दोनों तो सही है, कर्मकारक में अज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव शब्दों निर्जीव के लिए विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता, इसको पढ़िए ध्यान से, और विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्मकारक के साथ होता है, तो कर्मकारक में आज्ञा सूचक वाला रहेगा आंसर, आंसर नंबर देखिए बेटा, आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, पीपर पास सरिस मन डोला, पीपर का पत्ता किसके जैसे है? मन के जैसे है, ठीक है, मन की तुलना पीपर के पत्ते जैसे किया गया, पीपर पास सरिस मन डोला, ठीक है, मतलब मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तुलना करते हैं, तुलना करते हैं तो क्या रहेगा? आंसर नंबर बी उपमा अलंकार रहेगा। नेक्स्ट, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमान और उपमेय के अभेद को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब उपमान में उपमान और उपमेय के अभेद है ना, तो ये कहलाएगा बेटा, आंसर रहेगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना किया जाए, संभावना किया जाए तो भी यही रहेगा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमान उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना किया जाए, ठीक है। अगला है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? आरोप होने पर होता है बेटा रूपक अलंकार, आंसर नंबर बी, आरोप करने पे आ जाएगा रूपक अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बिना कार्य का, बिना कारण का, तो इसमें आएगा विभावना अलंकार। आप लोग एक चौपाई सुने होंगे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्त बड़ भोगी। बिना पग के चलता है, बिना कान के सुनता है ना, यही है, बिना हाथों से कर्म करते हैं, और बिना लास्ट में क्या बोलते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना जीभ के सारे रस का भोग कर रहे हैं, और बिना वाणी नहीं, बिना बिना मुख के सारे रस का आनंद ले रहे हैं, और बिना वाणी के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ये विभावना अलंकार है, ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसी बात करेंगे तो विभावना अलंकार में आएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समानता प्रकट करेंगे तो तुलना किया जा रहा है समान एक जैसे, तो उपमा अलंकार आएगा बेटा। नेक्स्ट, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार का प्रकार है? तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में श्लेष हो जाएगा, यमक हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएंगे, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार कहलाती है, वक्रोक्ति अलंकार, ये सब शब्द अलंकार है,
ओके नेक्स्ट 42। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार? जैसे शब्दा, अर्था और उभिया अलंकार। ओके अगला क्वेश्चन है बच्चों, काठ का उल्लू मुहारे, काठ का उल्लू मुहारे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं काठ का उल्लू। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। भात सड़ना मुहारे का अर्थ होता है बिरादरी से बाहर कर देना, बिरादरी से बाहर कर देने के लिए होता है भात सड़ना मुहारे। ओके किसी व्यक्ति को बिरादरी से बाहर कर देना मतलब भात सड़ना। केर बेर का संग होना मतलब विरुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ मिलना, केर बेर का संग होना, आंसर नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घर घर में माटी के चूल्हे होना मतलब होता है सब समान होना, घर घर में माटी के चूल्हे होना मतलब सब समान होना। अगला क्वेश्चन 41, अंगारों 47 अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर खतरे का काम करना, अंगारों पर पैर रखना जानबूझकर खतरे हैं फिर भी पैर रख रहे हो तो जानबूझकर खतरे का काम करना। अगला क्वेश्चन 48, खरा खेल फरूकाबादी मतलब होता है बेटा सच्चा काम के लिए हम ये मुहावरे यूज़ करते हैं, ठीक है, खरा खेल फरूकाबादी। अगला है हाथ का मैल मतलब सहज प्राप्त वस्तु को बोलते हैं हाथ का मैल। ओके नेक्स्ट बच्चों, सर्वनाश कर देना सही मुहावरे का अपन निशान लगाइए, तो सर्वनाश कर देना मतलब क्या होता है? नामो निशान मिटा देना, क्या रहेगा आंसर नंबर सी, नामो निशान मिटा देना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रंग में भंग डालना मुहावरे का अर्थ होता है विघ्न डालना, क्या होता है बच्चों? विघ्न डालना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बंजारे का डेरा बिना छत का घर बिना घर बार का, तो बिना घर बार का कहलाएगा बंजारे का डेरा मुहावरे। चलो पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? पयोधि, नीरज, पयोत, तोयस, तो आपको बताना चाहूँगा आंसर नंबर सी, ग इज द राइट आंसर। पयोध बोलते हैं बादल को, मेघ भी बोलते हैं बादल को, है ना, नदी का पर्यायवाची नहीं है तो ये भागीरथी है, ये गंगा का पर्यायवाची है, तो आंसर नंबर ए ये नहीं है, बाकी तो सभी जो है नदी के पर्यायवाची है, जैसे तरंगनी, टटनी, अपगा। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो कमल के पर्यायवाची है इस समूह में है ग नंबर में है वारिज, पंकज, नीरज, जलज, कमल के पर्यायवाची है। ओके अगला क्वेश्चन, गणेश का पर्यायवाची शब्द है गणपति, आंसर क्या रहेगा? गणेश का पर्यायवाची गणपति इज द राइट आंसर, घ सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भौरा का पर्यायवाची शब्द होगा बेटा मधुप, भौरा को क्या बोलते हैं? मधुप भी बोला जाता है। नेक्स्ट, केसरी का पर्यायवाची होगा, केसरी का पर्यायवाची होता है सिंह को बोला जाता है केसरी, सिंह रह जाएगा। निम्न में से सागर का पर्याय नहीं है, जलधि, सरोवर, समुद्र, निर्धि, आंसर आएगा सरोवर नहीं रहेगा सागर का, सरोवर तो तालाब का है, पोखर, पोंड बोल सकते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है मार्टन, भास्कर, निशाचर, दिनकर, निशाचर रात में घूमने वाले को बोलते हैं, रात्रि के लिए इस्तेमाल होता है निशाचर। अगला शब्द, अगला क्वेश्चन, निर्वाण का पर्यायवाची शब्द है निर्माण, भवन, मोती, मोक्ष, तो निर्वाण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बच्चों घ मोक्ष। अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है? धराधर, अद्री, अचल, नग, आंसर नंबर ग, ये है पर्वत के पर्यायवाची। तो बच्चों आज का ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत ही इसको जो है रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को बनाए गए हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पस के लिए, है ना, प्रयास एग्जामिनेशन के लिए खासकर। तो बच्चों आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, एक बार क्या इसको 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर सेंड कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।